बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुमित के साथ मेरी सोशल मीडिया फैमिली खैरियत से होगी। मैं हूँ नेचुरोपैथ डॉक्टर बिल्किस, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इन होम्योपैथिक एंड हर्बोलॉजी इन पाकिस्तान। आज हम बात करें स्किन पे। स्किन पे किस चीज़ पे बात करें भाई? हम पिगमेंटेशन पे बात करें, डबल टोन स्किन पे बात करें, एक्ने पे बात करें। बोलिए डॉक्टर बिल्किस, सब पे बात करें भाई। ऐसी मैजिकल रेमेडी लेकर आई हूँ। अगर आप अपनी इंटरनल ग़िज़ाओं का ख्याल रखेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। आप इसको रोज़ लगा सकते हैं। इसमें कोई भी ब्लीचिंग एजेंट नहीं है, नेचुरल वे में भी ब्लीचिंग एजेंट नहीं है। अगर आपकी हाइपर पिगमेंटेशन यानी कि अगर आपकी डिस्कलरेशन है ना, कहीं स्किन वाइट हो रही है, कहीं ब्लैक हो रही है, कहीं बहुत ज़्यादा डार्क हो रही है, कहीं ब्राउन हो रही है, मतलब कि ऐसे जैसे जेब्रा की तरह स्किन हो गई है किसी भी वजह से, इंटरनली आप अपने सेहत का ख्याल रखें। एंटीऑक्सीडेंट चीज़ों का इस्तेमाल करें, दही का इस्तेमाल ज़्यादा करें, रेड चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, एबीसी जूस ज़्यादा पिएं। उसके साथ ये मैजिकल रेमेडी कीजिए, हर स्किन टाइप के लिए बेहतरीन है। इंग्रेडिएंट्स जानकर आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो आपको घर से मिल सकते हैं। आजमाइश शर्त है, इस्तेमाल कीजिएगा, 3 महीने बाद बताइएगा। चले स्टार्ट करते हैं वीडियो। जी, इसमें सबसे पहले अरके गुलाब, आप अरके गुलाब इसमें लेंगे। कितना लेंगे वो मैं आपको बता रही हूँ आगे। अरके गुलाब आपकी स्किन को नर्म और मुलायम करने में, आप इसके मॉइस्चर को लॉक रखने में, आपके गुड फ्लोरा यानी कि गुड बैक्टीरिया जो आपके अच्छे बैक्टीरिया है उसकी उसकी ग्रोथ को बढ़ाने में आपकी मदद करते हैं। मैंने क्या किया था, 2 चम्मच लिए थे चावल, ठीक है, और वो मैंने भिगो दिए थे किस में, रोज वाटर में, ठीक है। अच्छा, मुझे इस रेमेडी के लिए ना सिर्फ ये भीगे, आपने इसको तकरीबन फ्रिज में रखना 24 घंटे, ठीक है। उसके बाद पहले तो अच्छी तरीके से आपने अपने चावल धो लेने, धोने के बाद आपने इसको 24 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। तो देखिए ये पानी आ गया, इसमें जो है ना चावलों के तमाम अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स, मिनरल्स जो आपके स्किन फ्रेंडली है ना, वो सारे इसमें आ जाते हैं। फिर इसमें आपको सबको पता है कि चावल में कितनी सारी विटामिन्स होते हैं। इसमें विटामिन ई भी पाया जाता है, इसमें विटामिन बी भी है, मगर हमें इसमें इसका क्या चाहिए, सिर्फ ये वाला पानी। ये देखिए कितना मैंने ज़्यादा लिया है, ठीक है, तकरीबन 3 चम्मच। अब इसमें मैं डालूँगी क्या, घर से ही हल्दी क्यों डाल रही हूँ? हल्दी इसलिए डाल रही हूँ कि आपको एलर्जिक रिएक्शन ना हो। हल्दी इसमें मैं बहुत ज़्यादा कम डालूँगी, ठीक है। फिर मैं इसको मिक्स कर लूँगी। देखिए चावल मैंने ज़्यादा भिगोए थे ना, तो आपको खुद एहसास हो रहा होगा कि जो चावलों का पानी जैसे हम घर में रखते हैं ऐसा नहीं, थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, उसमें सारी न्यूट्रिएंट्स आ गई हैं। और फिर मैं इसमें डालूँगी सदियों से इस्तेमाल होता हुआ बेसन। बेसन इस मौसम में मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसमें क्या होता है, ये आपकी ऑयल को कंट्रोल करता है, इस हाई प्रोटीन है, ये फर्स्ट जैसे जो उपटन बना था ना उसका अहम जुज यही था। इसको इसमें डालूंगी और मिक्स करती रहूँगी। अच्छा, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि हमें बेसन सूट नहीं करता। यकीनन कुछ लोगों को सूट नहीं करता होगा, तो वो इसमें घर का आटा अच्छी तरीके से छानकर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बेसन के साथ करेंगे तो उसके रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आएंगे। मैं इसमें बेसन जो है इसको अब गाढ़ा करने के लिए डाल रही हूँ। इसका तरीका इस्तेमाल ना बहुत डिफरेंट है, ठीक है। बस देखिए मैं आपको जितना मैंने बताया ना, आधा कप चावल का मैंने पानी लिया है, उसमें ये सारी चीज़ें डाल रही हूँ। और सबको पता है कि बेसन जो है ना रखो तो फूल जाता है। इसमें अब जो है मैं इसको देखें मिलाया, इसको मैं रख दूंगी आधे घंटे के लिए। और फिर मैं इसमें क्या मिलाऊंगी, आधे घंटे बाद इसमें हम मिलाएंगे ग्लिसरीन। ग्लिसरीन भी प्लीज़
प्लीज 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 आप मेडिकेटेड लीजिएगा, ठीक है। खुला हुआ मैं जो ग्लिसरीन है वो नहीं लें। ग्लिसरीन मैं इसमें डालूंगी 1/4 टीस्पून। ग्लिसरीन क्यों डाल रही हूँ? अगेन आपकी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको कहा है एक्नी, पिंपल, मैच्योर स्किन, पिगमेंटेड स्किन, हर एक के लिए ये बहुत ही ज्यादा बेहतर। ये देखिए हमने आधे घंटे के लिए रखा, जैसे मैंने आपको कहा था कि बेसन जो है इसमें फूल जाएगा। अब आपने लगाना कैसे चेहरे पे, आपने अच्छी तरीके से लगाना है, ब्रश की मदद से लगाया। मैं यहाँ पे आपको हाथ पे लगा के दिखा रही हूँ। मैंने आपको कहा था ना कि थोड़ा सा इसका डिफरेंट वे है, वो क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये एक दफा लगाऊंगी फिर ये सूख जाएगा, जब ये सूख जाएगा तो दोबारा लगा, ठीक है। चाहिए ये आपने लगाया, जब आपकी पहली लेयर सूख जाए ना, देखिए आपने अपने आप को टाइम देना है, एटलीस्ट 30 मिनट्स तो मी टाइम होता है। जब फर्स्ट लेयर जो आपने लगाया वो सूख जाए तो सेकंड, सेकंड सूख जाए तो थर्ड। अब जब थर्ड लेयर आप अपने स्किन पे लगाएंगे ना, अच्छा ये आंखों के एरिया को आपने अवॉइड करना है, ठीक है। आपने जब थर्ड लेयर लगाया, यहाँ मैंने रखा है बनाना पील, आपको पता है बनाना पील भी स्किन के लिए कितना अच्छा है। अब मैं इसको इसके साथ जो है ना रब करूँगी ऐसे, ये मैं स्किन पे करूँगी, सही है। मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ, बताने के लिए किया है। चेहरे पे अच्छी तरीके से आप रब करें, बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। कमाल का ग्लास स्किन आपको हासिल होगा, कमाल का। जी एक्सटर्नली चीजें आपने देख ली, लेकिन इंटरनली आपने क्या करना है? आपने लेने, देखिए ये जूस मैंने बनाया है, इसमें खुबानी 7 से 8 दाने, 2 आलू बुखारे, 1 चम्मच नींबू का रस, 1/4 टीस्पून सौंफ और मुट्ठी भरकर जो है ना पुदीना। अपनी बेटी को भी बुला रही हूँ, खुद भी पी रही हूँ। तो आप लोग मेरी फैमिली हैं, आप भी जरूर पीजिए, नाश्ते के बाद पीजिए या इसी से नाश्ता कीजिए। बेहतरीन मौसम का फल है जो आपकी स्किन को ग्लास स्किन बनाने में आपकी मदद करता है। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत, इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये रेमेडीज किसी के काम आ सकती है तो प्लीज आप उनके साथ शेयर भी कीजिए। जाते जाते आप लोगों के लिए ढेरों दुआएं, खुश रहे, शाद रहे, आबाद रहे, जिए और जीने दें। अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज़।